मैं हूं जाहिद कुरैशी, बेरोची सन इंटरनेशनल .tv। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरबरा सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी साहब। आइए नाजरीन, हम इनसे सीरत उन नबी के हवाले से कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सीरत उन नबी के हवाले से इस टाइम पे 12 रबीउल अव्वल की तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम व रफ़ाना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु अज़ीम। सबसे पहले तो आपका और आपके तवस्सुस से तमाम आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी शरीफ की खुशियाँ मुबारक। और यकीनन आज हम इस मैं और आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रबीउल शरीफ की बहारें देखना नसीब फरमाई। और हर जगह खुशियाँ हैं, मोहब्बतें हैं, प्यार हैं, लोग अपने फैमिलियों के साथ रोड पर जश्न मना रहे हैं मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यकीनन इसके जश्न मनाने के साथ साथ जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार, उनके प्यारी प्यारी सुन्नतों से प्यार करना, और वो हम सब के लिए रहमतुल आलमीन बनाकर तशरीफ़ लेकर आए। उनकी रहमत सब के लिए, जैसे रब की रहमत सब के लिए, जब मेरे आका करीम की रहमत भी सब के लिए, उसमें मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, सब के लिए हुजूर की रहमत है, जानवर हो, सब के लिए रहम फरमाया। तो हम ये समझते हैं कि उन्होंने जो सबसे पहला सबक हमें दिया कि झूठ नहीं बोलना, हम उनको हम क्या हम अपनाते हैं? जब हम कहते हैं कि ग़ुलामी रसूल में मौत कबूल है, तो फिर हमें नमाजें आका करीम फरमाते हैं कि आँखें नमाजें मेरी आँखों की ठंडक है, हम नमाजों से इज्तनाब करते हैं या बचते हैं या महरूम रहते हैं। जब हुज़ूर से मोहब्बत करें ना, तो फिर सच्चे सरकार के नौकर बन जाएं, फिर हमने हमारी नमाज भी छूटनी चाहिए। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम से आखिरी वक्त के अंदर क्या मैसेज कोड किए, ये आप अगर सर बताते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो यकीनन ने उनका जो पैगाम था, जो उन्होंने आखिरी खुतबा दिया था, तो आपने फरमाया था किसी अरबी को अजमी पे कोई, किसी अमीर को किसी गरीब के ऊपर कोई फौकियत नहीं है। तकवे फौकियत की बुनियाद तकवा, और हम समझते हैं कि आज हम देखें, हम अपने अखलाक चेक करें, हम अपने किरदार, आज ये दो चीज़ें जो सबसे बड़ी अहम हैं जो किसी को मुतासिर करती हैं। और जब मेरे आका करीम ने दीन का पैगाम दिया और 40 साल तक उन गैर मुस्लिमों के काफिरों के दरमियान में रहे, तो आपने अपने अच्छे अखलाक से उनको मुतासिर किया, आपने अपने किरदार से उनको मुतासिर किया। और ये वजह थी कि जब आप उनसे पूछते हैं कि ये बताओ इस पहाड़ी के पीछे फौज मौजूद है, क्या कहते हो आप, आपने बोला आप हक के सच है, कलमा नहीं पढ़ा अभी, लेकिन आप पैगाम देखें आप हक के सच है। अच्छा, एक बात और बताओ, दूसरा सवाल ये बताओ कि अगर मैं पहाड़ी के पीछे का आप जाओ चेक करो, वहाँ फौज ना नजर आए, तो आप क्या, आपका क्या जवाब होगा? वो काफिर क्या कह रहे हैं कि हम अंधे हैं आप सच्चे, मतलब आप यकीन देखे उनका हुजूर की जात पे, हुजूर के किरदार पे, हुजूर के तखवे के ऊपर, हुजूर के ऊपर कैसी उनकी वो थी कि यकीन था कि आप, हम देख के भी कहेंगे कि हम अंधे हैं, तो हम समझते हैं कि फिर उन्हीं को, उन्हीं काफिरों ने आपको अमीर और सादिक का कहते थे आप। लिहाजा हमें अपने किरदार को और अपने अखलाक को अच्छा करना होगा अगर हम सच्ची मोहब्बत करते हैं आका करीम से। मिलाद मनाए, जश्न मनाए, रोशनियाँ सजाएं, हम तो बल्कि ये कहते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबी अव्वल, सिवाय इबलीस के और उसके चेलों के सभी तो खुशियां मना रहे। तो हम ये समझते हैं कि खुशियां मनाए। और आका करीम से किसी ने पूछा, किसी के ख्वाब में आए बुजुर्ग के, और बुजुर्ग ने पूछा कि हुजूर हम खुशियां मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तकरीबात करते हैं, आप खुश हैं? मेरे आका करीम ने फरमाया जो हमसे खुश होता है हम उससे खुश होते हैं, है ना, दो जुमले में बताया। तो हमें हमारी मौत बरहक है, जिंदगी मौत का मजा सबने चखना है। तो जो हमारे वहाँ तीन सवाल आते हैं कि हमारी किसकी तैयारी है, जो वहाँ आका करी हमारी वो हमेशा की जिंदगी है,
हम यहाँ जिंदगी गुजार लें, हेरा फेरी करें, झूठ बोले, रिबत करें, मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाए, अजियत पहुंचाए लोगों, मेरा पड़ोसी मेरे से महफूज ना हो, मेरे आज आप देखें ना ये दीन से दूरी है ना, कि आज आज जुर्म जराइम कहाँ पे पहुंचे हुए, आज दीन से दूरी है ना कि आज हम अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम भूल गए। अरे ये तो हुजूर का सदका था कि औरत को भी अल्लाह ताला ने वो इज्जत मुकाम अता फरमाया हुजूर के सदके से, जिसके सदके से हमें कलमा मिला, नसीब भी हुआ, जो साहिब को कुरान है उनकी क्या इज्जत और अजमत होगी। उन्होंने एक आका करीम ने फरमाया कि देखो दो चीज़ों को अपनी मजबूती से थाम के रखना, एक कुरान और दूसरा अहले बैत की मोहब्बत, तो आप जिंदगी में गुमराह नहीं हो गए हैं। तो आज हम देखें हम कहाँ पर हैं, आज हम किस, हम अपना, हम दूसरे का एहतसाब करने के लिए तैयार हैं, हम दूसरे का एहतसाब करने के तैयार, अपना एहतसाब करने के तैयार नहीं है। अपनी जात को भी तो रात को चेक करो सोने से पहले कि आज मैंने किस किस को क्या तकलीफ पहुंचाई, आज मैंने कितने झूठ बोले। हम उसकी बारगाह में जब हम जाएंगे, कब्र हकीकत है, उसके लिए कोई उम्र की कैद नहीं है जिंदगी की कि मौत में मुझे 60 साल है, चलो तोबा कर लेंगे, एक हज करके आ जाएंगे भी, सारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। गुनाह भी तो जब धुलेंगे, जब आपने वहां से आकर उस जो आपने जिस नियत से किया और उसके ऊपर आप हो रहे हैं, अब आए वापस आने के बाद आपकी वही चोरी, वही रिश्वत, वही डाका जनी, वही दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे। हमारे खुलफा राशिदीन का निज़ाम देखें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का मुकाम, उनकी खिलाफत देखें, फारूक आजम की खिलाफत देखें, उस्मान गनी की सखावत देखें, वो जिन्होंने जिंदगियों में जन्नत खरीदी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने उनसे जन्नत खरीदी, आग उस्मान गनी ने दो दफा जन्नत खरीदी, जिनका हिसाब नहीं है जो डायरेक्ट जन्नत के अंदर जाए। लेकिन आप देखें उनकी खौफ का आलम यह था, अल्लाह से खौफ, रात को उठ उठ के इबादतें करते थे, है ना, और अपना सब कुछ कुर्बान करते थे, ये तो ईमान है। हुजूर का वजू नीचे नहीं आता था पानी, और लोग अपने जिस्म पे चेहरों पे मलते थे, हैं वो। अगर आप जाए उम्र शरीफ पर आप गए, आप जब वो जंगे बदर जहां हुई और जंगे बदर से आप वापिस आए, तो एक रास्ते में कुआं आता है, वहां से लोग पानी की बोतलें लेकर आते हैं, उसे शिफा भी कहते हैं उस पानी को ना, तो वहाँ हमारे मुसलमान मुखैर हजरात ने वहाँ मशीनें भी लगा दी हैं ताकि पानी कुएं से निकालने में आसानी हो जाए। हमारे मुखैर हजरात लोगों ने वहाँ लोगों के लिए आसान कर दिए, ड्रम रख, क्या था उसके अंदर, उसके अंदर हुजूर को पता चला कि वो जब ये भागे हैं बदर, जंगे बदर से काफिर, तो ये इन्होंने क्या किया, उसमें जहर मिला दिया था कि जब मुसलमान वापस होंगे तो ये पानी पियेंगे तो इस तरह उनको नुकसान पहुँचेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, अपना लाबे दहन लिया तो उसमें डाल दिया कुएं के अंदर। आज तक 2022 है, आज तक दुनिया शिफा पा रही है, वो पानी लेकर आते अपने बीमारों को हम पिलाते, तो यानी ये जिनके लाभे धन में शिफा है, जंग में और एक साहबी के आंख में आके तीर लगता है और तीर लगने के बाद जो आंख निकल के बाहर यहाँ लटक जाती है। आप किसी तबीबों के तबीब के पास जाते हैं, तबीबों के पास तबीब आका, लोग कह रहे हैं कोई जाता है हकीम के पास, कोई डॉक्टर के पास, अब हुजूर की बारगाह में हाजिर, हुजूर मेरी ये आँख तकलीफ है, अजियत है, आपने लावे धर लिया, आँख को वापस लगाया, आपकी रोशनी भी बहाल हो गई, और कहा कि मैं इस आँख से ज्यादा देख रहा हूँ दूर तक, है ना। तो ये इतनी रहमत वाले सरकार, इतनी रहमत वाले जो दुनिया जहाँ जिनके लिए ये कायनात को सजाया, रब ने कहा है महबूब अगर मुझे आपको सजाना ना होता तो मैं ये दुनिया ना सजाता, मुझे आपको भेजना मकसूद था, तो दुनिया को मैंने सजाया, आज दुनिया सजी हुई है। हमें ये पाकिस्तान भी नेमत है ना, वो जैसे आका करीम के सदके से हमें पाकिस्तान मिला, आए इस पाकिस्तान की कदर करें, इस पाकिस्तान के रहने वालों की कदर करें। खाली हमने तो नारों तक चीजें रख ली, हर बंदे का मंशूर देखो इतना आला होता है, ऐसा लगता है जैसे इससे बड़ा इंसान का दर्द किसी के पास नहीं। लेकिन आप देख लें हम लोग कहाँ हैं आज 75 साल के बाद, इसलिए कि हम ये अब कहते हैं कि हमने सारे निज़ाम देखे, लिबरलिज्म देखा, सोशलिज्म देखा, रोटी कपड़े मकान का नारा देखा, अब एक नारा बचा है, आए हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए सच्चे दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ तौबा करें, और आज हम तजदीद अदब वफा करें इस मिलाद के मौके पर, हुजूर की आमद के मौके पर। हम बच्चे की खुशियाँ मनाते हैं, जब तो हमारी कोई आवाज़ें नहीं उठती, हम जश्न मनाते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं, सारे जश्न मनाते हैं, है ना। हम ये तो इन सब ईदों की ईद है, है ना, इसके सदके से हमें सब कुछ मिला, रब मिला, रब की पहचान मिली, नमाज मिली, हमें आए हम आगे बढ़ के आज एहद
ये करें कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद हम हमारे हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आज के बाद हमारी जबान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आप देखें कैसे तब्दीली आती है, और वो निज़ाम एक ही है, वो निफाज इस्लाम के लिए अब हमें कोशिश करनी चाहिए, जहाँ सबको अमान है, जहाँ वो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको अमान है वहां पर। लेकिन उस निज़ाम को बदलने के लिए हमें मेहनत और कोशिशें करनी पड़ेगी। एक ही सिफ में खड़े रहते हैं महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आखिरी खुतबे में सरकार अनबिलसलाम ने इरशाद फरमाया, काले को गोरे पे, अजमी को अरबी पे कोई फोकियत हासिल नहीं। लेकिन इस टाइम पे आज के दौर में जो देखने में आता है वो फिरका वारियत है, इसके हवाले से हम जानते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। यकीनन सबसे बड़ी बात है, उसकी वजह नाइंसाफियां हैं। जब रूल ऑफ लॉ होगा, यही कौम दुनिया के हर मुल्क में आबाद है, यही सब लोग मौजूद हैं, वहां लड़ाई झगड़े क्यों नहीं होते? ये इस्तेसाली कुव्वत है। आपको पता है 1924 में ये जंग शुरू हुई, तो उन्होंने क्या किया वही आज भी है। मुझे नहीं पता कि आपके इस पे चल सकेगा नहीं, लेकिन अभी मैं जैसे तारीख पढ़ रहा हूँ, आजकल शौक हुआ है तारीख का, क्या हमने हमें डराते हैं, अलाकू खान आ गया, चंगेज़ खान आ गया, उसने मीनार सरों के मीनार बना दिया, बगदाद शरीफ तहस नहस करके रख दिया, स्पेन तहस नहस कर दिया, जहाँ अजाने की आवाज़ें आती थी, जब खालिद बिन तारिक बिन जियाद, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह जैसे हमें जनरल अता हुए और उन्होंने ये फतेह किए शहर, स्पेन फतेह किया। आज बगदाद शरीफ का देखें, जिसको हम कहते थे इल्म का गहवारा होता था, उस वक्त लोग वहाँ जाते थे। जब तक हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी, हम लड़ाइयों से बाहर नहीं आएंगे, उसका हल ये है कि हमने रूल ऑफ लॉ को कायम करें। ट्रांसजेंडर का जो बिल अभी पास किया है सेनेट में, ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? असल में वो अकाबरीन इन असम्बलियों में वो लोग नहीं है, और कायद अजम रहमतुल्लाह अलैह के बाद हम क्यादत से महरूम हो गए, मुखलिस सच्ची क्यादत थी। उसके बाद हर बंदा अपने मफाद के लिए आता है, अपनी मफाद के लिए काम करता है, और दुनिया रुखसत हो जाता है। जब हम अल्लाह के साथ जंग करेंगे, जिसके पास हमने जाना है लौट कर, हमारी हमेशा की ज़िंदगी दूसरी है, आखरत की, कब्र की मंजिलें हैं। हमारे ये खौफ ख़त्म हो गया अल्लाह का कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें फिर भी अल्लाह ताला से अमान चाहिए थे, तो हुजूर की उम्मत का सदका कि अल्लाह ताला का करम हम पर है, रहम है, अल्लाह ताला ने कभी हमारा रिस्क बंद नहीं किया। हम कैसी भी अब सबसे पहले 18 साल के बाद अभी शरी अदालत से फैसला आया कि जो सूद के निज़ाम को ख़त्म किया जाए, हम उस पर चार बैंक हमारे अपील पे चले गए। यार कैसे मुसलमान हो यार आप, शरीयत के अदालत एक फैसला कर रही है सूद ख़त्म करके, हम उसके बहुत सारे तरीके हैं, हमारे और इस्लामी बैंक हैं जिन्होंने इसको अपनाया हुआ है, हम लेकिन अल्लाह से जंग के लिए तैयार, अल्लाह से जंग कर रहे हैं, अल्लाह से, कुरान जिसके लिए मना फरमा रहा है। फिर ये बिल आ गया जिनसी तब्दीली का, उसके अंदर हम मतलब 15,000 या 16,000, 16,500 कमो बेश मर्द औरत से मर्द बन गए, और इतने ही तकरीबन 15,000 के करीब मर्द से औरत बने, और इसी तरह 16,000 के करीब औरत से मर्द बने। अब अल्लाह के कामों में जब दखल देंगे तो हमारा अंजाम क्या होगा? आज हम देखें ना, आज हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, आज बच्चे हमारे अजाब से, परेशानियां हैं, तकलीफें, आजमाइशें हैं। आज हमें कोई है सिंध के अंदर जाके देखे, बच्चे और बच्चियों का फैमिलियां रोडों के ऊपर बैठी, कहाँ है चार चार दीवारी, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर ये आपके ये फ्लाइंग तंजीमें ना हो तो आपको रोजाना की अखबार की हेडिंग मिलेगी कि 1,00,000 आदमी दुनिया से रुखसत हो गए, भूख से, अफलास से, वबा से, बीमारियों से, हेपेटाइटिस सी से, ये सारी चीजें। लेकिन कहाँ है सियासतदान, कहाँ है हमारे वो हुक्मरान, वो खौफ खुदा रखने वाले? और जब ये बिल आया तो उसमें दो मजहबी जमातें तो ऑलरेडी मौजूद थी असम्बली के अंदर, उनसे पूछे कि ये बिल पास कैसे हुआ? आप लोग ने इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है, यही तो है। हम अल्लाह को एक मानते हैं, अल्लाह की एक नहीं मानते। हम अल्लाह की एक नहीं मानते तो हमारे ऊपर से आजमाइश तो रहेगी। हम आज भूख में, अफलास है, मईशत तबाह है, मुल्क तबाह हो रहा है, इस वक्त दिवालिया पे पहुंचे। यानी कि जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, मॉडीज की रिपोर्ट आई है, उसमें हम मनफी से सी क्लास में चले गए। मतलब अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, इस वक्त हम दिवालिया की तरफ, जो श्रीलंका का हाल है वो हमारे इस मुल्क का हाल। आज अब टैक्स दे रहा है गरीब, टैक्स दे रहा है पैसे, आप छोटी सी माचिस की डिबिया लेने जाए, सिगरेट लेने जाए,
आप कोई चीज आइटम ले उसमें लिखा हुआ होता है प्लस टैक्स, उसमें प्लस टैक्स लिखा हुआ होता है, ये लोग तो नहीं देते। हाँ इस पाकिस्तान में खाना फ्री है, इस पाकिस्तान में हॉस्पिटल फ्री है, मेडिकल फैसिलिटीज फ्री है, जहाज का किराया फ्री है, कैफेटेरिया में 2 रुपए की दाल फ्री, फ्री है ना 2 रुपए की दाल इस दौर के अंदर, वो आपकी गरीब एमपी एमएनए की, इनका मेडिकल फ्री है, ये गरीब है, ये अरबपति करोड़पति, इनका फ्री है, मेरा और आपका तो लाइन में लग के लेना है अस्पताल में इलाज कराना, हमारे लिए सिवा जीना इनके लिए नहीं, इनका तो इलाज भी बाहर है, इनके अस्पताल भी बाहर है, इनकी एजुकेशन भी बाहर है, इनकी शादियां भी बाहर है, इनके लिए अदालतें खुलती हैं रातों को, इनके लिए सब कुछ होता है, मेरे और आपके लिए तो आज तक कोई अदालत नहीं हुई, हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग हैं, ये सिर्फ क्यों है निज़ाम की तब्दीली, जब तक निज़ाम की तब्दीली के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारी जद्दोजहद है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का एक नारा है, इस्लामी निज़ाम का है निफाज, अदल, तालीम, अमन व अमान। सुन्नी तहरीक अभी दीन के हवाले से क्या क्या काम कर रही है सर, इसके बारे में कुछ बताइए। हमारे दीन के हवाले से जैसे हमारा 5 इशू है, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस अहले बैत, हुकूक़ अहले सुन्नत और आइन और नजरिया का तहफ़्फ़ुज़। पाकिस्तान का आइन ये कहता है अगर हम 1 से 40 तक पढ़ लें तो उसमें मेरे और आपकी सारी नीड्स पूरी हो जाएंगी, मेरे और आप, हम तो गरीब मतवसत तबके से ताल्लुक है ना हमारा, हमें पता है कि हम अपनी छत अपनी जिंदगी कैसी गुजार रहे हैं, हम अपने अपने बच्चे कैसे, हमें बिल कैसे अदा करने, इनको किसी को नहीं पता, इनके तो सब बिरी हैं, इनके तो हैरान को ना आपको, मैंने इस पर एक स्टडी भी बनाई है पूरी की, अरबों रुपए 85 अरब रुपए के करीब समझ ले ये हम ये पालते हैं, ये समझ ली 85 अरब रुपए में पालते हैं, 85 अरब, हमें तो नहीं जरूरत, हमारी जब हमें वोट को इज्जत दो, वोटर को इज्जत, वोट को इज्जत नहीं दो, इंसान को इज्जत दो, इंसान अशफकुल मखलूकात बना के बेचा है, ये आका की उम्मत है जिसपे अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता, आका की उम्मत होने के नाते आका का सदका है कि हमारे पर अजाब नहीं आजमाइश है, और हमें इस आजमाइश से निकलना जब है हम सच्चे दिल से तोबा करके अच्छे कि अब हमने इस निज़ाम को बदलना है, यकीनन बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं, इसमें मुझे और आपको जो सबसे दीन के अंदर जो एक सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो अकाउंटेबिलिटी है, क्या मैं और आप यकीन माने कभी हमने रात को सोते हुए अपना एहतसाब किया, दूसरे का तो एहतसाब कर रहे होते यार ये देखो कहाँ से आ रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये खा कैसे रहा है, ये कमा कैसे रहा है, इसके बाद 2 गाड़ियाँ के हसद में हम मर जाएंगे, हिब्बत में हम मर जाएंगे, बोहतान लगाने में हम मर जाएंगे, हमें उसके अजाब का नहीं पता कि उसका अजाब क्या है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें तब्दीली के लिए काम करना होगा, और तब्दीली इसी में कि सिर्फ आका करीम का निज़ाम मुस्तफ़ा लेकर आए, में अमान भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, रवादारी भी है, बर्दाश्त भी है, सब्र है, यही दीन इस्लाम का पैगाम है, ये मेरे आका करीम की प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं, तो अमल दरामद करने वाले बन जाए, हमारी ज़िंदगी 24 घंटे इबादत बन जाएगी, 24 घंटे हमारी ज़िंदगी इबादत है, वो कैसे है, वो ऐसे है कि मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा खाना, मेरा पीना आका की सुन्नत के मुताबिक है, तो इबादत है ज़िंदगी, मैं चल रहा हूँ नौकरी, मैं जॉब करता हूँ कहीं पर, मेरी किसी कंपनी में ईमानदारी से मैं जॉब कर रहा हूँ, ईमानदारी से मैं उसकी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, सवाब, मैं वहीं पर डंडी मारूँ, मैं जाऊँ, हम क्या करते हैं हमारे, मैं 17 साल जैपनीज के साथ रहा, मैंने उन्हें देखा कि वो ये कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, 8 बजे से 5 बजे तक की ड्यूटी है, तो वजू करने जाएंगे 1 आधा घंटा लगा के आएंगे, खाना खाने जाएंगे 1 घंटा पूरा लगा कर आते, हम 8 घंटे में से 3 से 4 घंटे मुश्किल से काम करते, लेकिन हमें सवाब पूरा चाहिए 8 घंटे का। महंगाई के हवाले से आपने क्या स्टेप लिया? महंगाई के हवाले से स्टेप तो हुकूमत लेगी, हम तो कहने से मुराद ये है कि सुन्नी तहरीक महंगाई के हवाले से आवाज क्यों नहीं बुलंद करती? हम आवाज भी बुलंद करते, सब कुछ करते हैं, यहाँ तो इंसाफ मिट चुका है, अदालतें ये अशराफिया की सुनती हैं, 24 घंटे में पासपोर्ट भी इशू हो जाता है, 10 साल की सजा वाला बंदा ऐसे बाहर चला जाता है रात ही रात, और मावा छालियां बेचने वाला बेचारा जेल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम इस महीने की मुनासबत से जो पैगाम है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को जिन्होंने उम्मत के लिए रातों को उठ के रोया करते थे, इस उम्मत के लिए हमें भी एक दो आंसू तो निकालने चाहिए कम से कम उस उम्मत
आका करीम के लिए जिसने हमारे लिए रातों को दुख हमारे लिए जन्नत की तलब की, जन्नत मांगी। तो इसका सबसे बड़ा यह है कि हम अपने अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी लेकर आए, एहतसाबी अमल लेकर आए। तो हम मेरे आका करीम ने फरमाया, एक कुरैश की कबीले की लड़की ने वो चोरी हो गई, तो मेरे आका करीम ने क्या फरमाया था, अदल इंसाफ ये होता है। आपने कहा खुदा की कसम इसकी जगह वो सरदार हैं, अगर मुश्किल हो जाएगी, बड़ी परेशानी हो जाएगी, जो बहुत बड़ा कबीला है। तो आपने फरमाया रब्बे काबा की इज्जत की कसम, अगर इसकी जगह मेरी लाडली बेटी, मेरे जिगर का गोशा, जिगर गोशा अगर बीबी फातिमा दाई वर्क में अगर वो भी ये हो करती तो मैं उनके हाथ काटने को ये हुक्म उनको देती। कहने का मकसद सिर्फ ये है, उन्होंने हुजूर ने है ना इंसाफ अदल को अपने और वो ज़िंदगी जो गुजार के गए वो रहमतुल आलमीन थे। एक दफ़ा जब घर के अंदर ना रोटियाँ पकी तो बीबी फातिमा दिलाना ने वो रोटी ली अपने दुपट्टे में बांध, तो मौला अली मुश्किल कुशा पूछा क्या कर रहे हैं, यानी पता नहीं बाबा जी ने कितने दिन से खाना नहीं खाया। दो जहाँ के रहो जिनकी सत्य से दुनिया बनी है, हम अपने अंदर हमुल मिजाजी लेकर आए, अपने अंदर बर्दाश्त लेकर आए और हम आका करीम का निज़ाम लाए, उसके अंदर ना सबको इंसाफ है, तो अदल है। जब तक रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होगा, इंसाफ इस्लाम रूल ऑफ लॉ और लाना हमें लाजमी है, हम इस पर इम्प्लीमेंट करें। कानून सबके लिए होना चाहिए, यकसा होना चाहिए। अभी आप एक शेर भी पढ़ रहे थे कि सब में खड़े हो गए महमूद हो यार। अब देखो अल्लाह का इंसाफ देखो है, कफन सबका एक सा है, तीन चादरें फातिम औरत के लिए, पांच चादरें हैं, और कैसा इंसाफ है कि सब में खड़े हो गए, किसी को नहीं पता ये करोड़पति है, ये अरब पति है, गरीब पति है, सारे लाइन से पति के एक साथ ही खड़े हुए हैं। तो वो ये इंसाफ है, ये दीन। लेकिन हम मैं और आपने अपनी अपनी जायदाद अपने अपने आप और हमने अपने अपने पैर खड़े किए, आज बोले अरब पति है, खरब पति, पूछो पैसा कहाँ से आया, नहीं वो इंसान पैसा नहीं बताएंगे कहाँ से आया है ना। और ऐसे अल्लाह ताला हमारी भी किस्मत खोल दे जैसे लोग इनकी तरह। हाँ। लेकिन हमें यकीनन दुनिया कमाने की दुनिया में मुशक्कत है, लेकिन क्या कब्र की आसानी, दुनिया की मुशक्कत हमने उठा ली, हमने दुनिया में दुख और तकलीफ सह ली, यकीन माने हमारे लिए एक जन्नत रखी हुई है। हम यहाँ के महल बनाने के लिए दुनिया की सारी हदूदें पार कर जाते, उस वहाँ के महल के लिए भी तो हम कोशिश करें तो वहाँ हमने कैसे। सहाबा की जिंदगियाँ देखें, उनकी तकलीफ तकलीफ तकलीफ, तपती हुई आँखों पर तपती हुई आग पर लिटाया जा रहा है, कोयले जलते हुए उनको लिटा के उनके ऊपर फरक दिया गया है हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु को। लेकिन आपने कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा, हुज़ूर की मोहब्बत नहीं छोड़ी, ये है दीन, इसे कहते हैं। और आप देखें फिर वही वो अंग्रेज अंग्रेज जिसने अपनी किताब में हुजूर को नंबर वन लिखा है, उससे पूछा यार तुम तो यहूदी हो, तुम ये कैसे तुमने इनको पहला नंबर का, कहने का मैंने एक बात की जब हुजूर सल्लम के जब दीन की दावत दी तो चंद लोग थे, 30 या 35 लोग थे, आज 1.5 अरब मुसलमान है। आज उनके उनके पैगाम को पहचाना, आज उनका पैगाम, आज आप उम्मत को देखो, हुजूर की प्यारी 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 उम्मत, मेरे आका करीम आला इमामुल अंबिया, तो उनकी उम्मत भी आला, उनकी उम्मतों में तमाम उम्मतों में आला। इसी वजह से अल्लाह ताला हम पर करम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें खा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमें अपने सोच को बदलना, सोच हम दूसरे को अच्छा करेंगे हमें पहले अपने आप को अच्छा करें, हम अपनी अकाउंटेबिलिटी एहतसाबी अमल करें, इंसाफ का दरवाज़ा इंसाफ कायम करें, रूल ऑफ लॉ लेकर आए हैं उसमें बाकायदा प्रॉपर, वो सबके लिए अमीर और गरीब नहीं सबके लिए होना चाहिए, एक सा इंसाफ, एक सी अदालतें, एक सी तालीम, एक सा सब कुछ। अब एक बात आप कह रहे थे, हमने दूसरे चाइना और दुनिया की तरक्की देखते हैं ना, जो एक सबसे अहम चीज़ है, हमने देखा कि उन्होंने ना छोटे लोगों को प्रमोट किया, उन हम स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री हमने अपने मंशूर में डाला, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री को करें तो महंगाई का मुकाबला कैसे करें। आज जिस चाइना के अंदर अगर मिसाल दे रहा हूँ ऐसी एग्जाम्पल के तौर पर, अगर वह 50 आदमी अरबपति थे, आज वह 5,000 आदमी अरबपति है। उन्होंने प्रमोट किया, उनकी एजुकेशन का ख्याल किया, उनकी पढ़ाई का, उनके बच्चों का, स्कूल गोइंग बच्चे, अस्पताल फ्री, स्कूल फ्री, एजुकेशन फ्री, हर चीज़ फ्री की उन्होंने, और उनसे कहा कि आप डेवलप करें, उनको स्मॉल छोटे कर्जे दिए, वो रिटर्न होना आसान होता है। अब यहाँ बड़े बड़े लोग होते हैं,
पता उसकी 14 से 50 शुगर मिले बन गई, कर्ज माफ करा ली, राइट ऑफ करा लेता है। हुकूमत में होता है, बदमाशी होती है, ताकत होती है, उसका मिसयूज होता है। मैं और आप क्या होंगे अगर मेरी इंडस्ट्री बनाना है, अब आपने कोई छोटा स्टूडियो बनाना है, अब आपने उसे 5-10 लाख 20 लाख रुपए कर्जा लिया, अब आप सोचेंगे इसको यार रिटर्न करेंगे, अब आप हर महीने कितनी इंस्टॉलमेंट बना के उसको। मैं इनके साथ काम किया, यकीन मानने देखो वहां भी महंगाई है, जापान महंगा तरीन मुल्कों में शुमार होता है वहां पर, लेकिन वो लोग अपने सिस्टम में रहकर इम्प्रूवमेंट करते हैं, उनके वहां पे सब मिलकर खाते हैं, कमाते हैं, इस तरह करके अपने उनको तरक्की देते हैं, टैक्स पूरा देते हैं, लाइन में लग के देते हैं, वहाँ अमीर गरीब का मसला नहीं है, सब टैक्स देते हैं, वहाँ एजुकेशन सेम है, तालीम सबके लिए है, अमीर गरीब सबकी एक ड्रेस है, पूरे पूरे जापान में एक ड्रेस है सबका, आपको महसूस नहीं होगा ये करोड़पति का बेटा है ये गरीब का बेटा है। ये चीजें, ये नाइंसाफियां, ये नाइंसाफियां खत्म होंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। 75 साल बाद भी आज हमारे पास अपने बच्चों को, अपनी फैमिली, अपने खानदान को, यानी कि लाखों लोग, लाखों मवेशी बह गए, इसलिए कि हमने वो सिस्टम ही नहीं डेवलप किया। सारे यहाँ डिफेंस में रह रहे होते हैं, है, 50-50 रुपए बांट रहे हैं, इतना अमीर आ रहे, पूरा पूरा मुल्क खा गए और 50-50 रुपए दे रहे, 50 रुपए की नेस्ले की बोतल भी नहीं आती। ये जुल्म से ज्यादतियां खत्म होंगी तो आगे बढ़ेगी। सीरत नबी के हवाले से 12 रबीउल अव्वल के मौके के ऊपर आप क्या कौम को मैसेज देना चाहते हैं? कि हमें निजाम बदलना है, उसके लिए मैंने और आपने जद्दोजहद की, मेरी और आपकी नस्ल सफर कर रही है। हुजूर का पैगाम क्या था? मोहब्बत, प्यार, यकजहती, मिलजुल के रहो, सब रहो, हर बंदा अपने दीन का, वो कहते हैं ना किसी के दीन को छेड़ो नहीं, अपना दीन छोड़ो नहीं, सिर्फ हम ये फार्मूले पे अमल कर लेना, अब अपने मस्जिद, अपने मदरसे, अपनी अपनी खानकाह के अंदर अपने वो आपने अपनी वो दीनी जो भी आपकी खिदमत हैं वो आप दें, वो पढ़ाएं लिखाएं, जो आपके अपने अकीदे के मुताबिक आप पढ़ाएं लिखाएं। जब इंटरफेरेंस होती है, जब नुक्ता नजर को देखे, क्यों हमारी तालिबान से जंग की हुई थी, उन्होंने नुक्ता नजर को इम्बोज करने की कोशिश की, अपना अपना पॉइंट ऑफ इम्बोज नहीं कराएं, आप ताकत के जरिए नहीं कराएं, ये दीन इधर से फैलता है, ये दीन मोहब्बत यहाँ से होती है। तो हुजूर का सच्चा पैगाम यही है कि आओ सब मिलकर काम करें, और वो जो खुतबा है वो मेरे ख्याल से है, और ये लोग कुछ इस्लाम दीन के खिलाफ साजिशें करते रहेंगे, ये आज की कहानी नहीं है कि मैं आज बात कर रहा हूँ, आप 700 साल पहले चले जाएं, 800 साल पहले जाएं, 1924 में ये बीज बोया था, आज तक जो खत्म नहीं कर सके अरबी और अजमी का, ये क्या लड़ाई है? वो बोलते थे आले रसूल के पास खिलाफत होनी चाहिए और वो तुर्की में नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह की एक लाइट उन्होंने बीज बोया वो अंग्रेज। अब आप हैरान कौन बताऊं मैं आपको, मैंने अभी ये स्टडी की, उसमें मैंने ये देखा कि बर्तानिया ने मदरसे बना के दिए थे, आप तारीख पढ़े तो आपको हैरान कौन हो, भाई तुम्हारा दीन से क्या ताल्लुक है? भाई कहने के वो ये इनके बच्चों को हम पढ़ाएंगे ना, ये सरदार तो बूढ़े हो गए, अब ये सरदार बूढ़े हो गए ये तब्दीली नहीं लाएंगे, इनके बच्चों को पढ़ाओ, ये जब सरदार बनेंगे ना तो फिर हम इनसे अपना काम लेंगे। उनको नेशनलिटी दी ब्रिटिश की, उस वक्त ब्रिटिश, अमेरिका और फ्रांस, उस वक्त भी ये तीन मुल्क थे, और ये इसराइल बाद में जो जिसको बना, ये चार मुल्कों ने मिलकर इनके साथ जो जो मिले, अब ज़्यादा मजीद आपको मेरे ख्याल से यानी का यही है कि वो निज़ाम था 650 साल उन्होंने अदल इंसान, यानी कि बड़े बड़े काफिर भी आके कहते थे यार मुसलमानों के पास चले जाओ, ये लोग रहमदिल लोग हैं यार, इनके अंदर इंसाफ है, इनके अंदर अदल है, अदल इंसाफ का निज़ाम हम लेकर आ जाएं, आप खुदा की कसम देखना ये पाकिस्तान इतनी जल्दी तरक्की करता, तरक्की याफ्ता मुल्क में शामिल होगा, यहाँ रोजगार भी होगा, तालीम भी होगी, यहाँ तालीम मिलती हो बिकती ना हो, यहाँ इंसाफ मिलता हो बिकता ना हो, आप देखें कैसा मुल्क तरक्की करेगा। हुजूर का ये पैगाम था जो एक सबसे पहले उन्होंने जो फरमाया कि कुरान अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो और कुरान से मोहब्बत करो और अहले बैत से मोहब्बत करो, आप जिंदगी में गुमराह नहीं होगे। अगर आप चाहते हो, आप तब्दीली चाहते हो, तो आपको हुजूर की प्यारी प्यारी सुन्नतों से प्यार करना होगा, तफरीकाबाजी से बाहर निकल कर हम ये सोचें कि हमने दीन के लिए अब हमने क्या फ़र्ज अदा करना है, और जब इस पे निकलेंगे इंशाल्लाह आप देखिएगा कि पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, दीन भी तरक्की करेगा, मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त, सब्र, तहम्मुल, मिजाज, ये मेरे आका करीम की प्यारी प्यारी सुन्नतें, आओ इससे प्यार करें, इस मुल्क को बदलें, इस मुल्क की किस्मत को बदलें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच।